बॉबी, बॉबी साहब आपको क्या लगता है ईरान कब तक खामोश बैठा रह सकता है? क्योंकि अगर उसके दो मेन जो फ्रंट लाइंस हैं, अगर वो उनके चीफ का इस तरीके से कत्ल होगा और वो भी एक का तो सीधे ईरान की जमीन पे हो गया, तो फिर अगर वो चुप रहता है तो फिर उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, उसके लिए तो फेस सेव करना मुश्किल हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो ईरान को करना पड़ेगा। देखिए, फेस सेव करना, किसके सामने फेस सेव करना? देखिए यहाँ पे क्या है कि इसराइल के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे इस टाइम क्या हैं, जो इसराइली एक्शन से दिखाई देते हैं, जो उनके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स जो मेरी समझ में जो आते हैं, वो उनके दो या तीन हैं। पहला ये कि जो रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन, जो रेजिस्टेंस बिल्कुल जो एक्टिवली इसराइल के ऊपर अटैक करते हैं, हमास, हिजबुल्ला, इनको ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए, इनकी लीडरशिप को खत्म किया जाए, इनके कमांड स्ट्रक्चर को खत्म किया जाए और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म किया जाए। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ईरान का जो इन्फ्लुएंस है उसको कम किया जाए, इन 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 मिलिशियास को डैमेज करके। तो ईरान, इसराइल को यह मालूम है कि ईरान अभी इस टाइम कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता है। और तीसरा जो इनका लॉन्ग टर्म जो एक ऑब्जेक्टिव है आशुतोष जी, जो अभी थोड़ा सा संजय जी ने इस पर जिक्र किया, मेरा ये मानना है कि जो इसराइल का जो एक ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है कि जो कॉस्ट ऑफ रेजिस्टेंस है वो इतनी ज्यादा कर दें कि जैसे होस्ट कंट्रीज लाइक लेबनान, वहां पे अंदर से ये बातें उठने लगे। सी एज इट इज, लेबनान सेक्टेरियन लाइंस पे काफी एक डिवाइडेड कंट्री रहा है, उसकी एक हिस्ट्री रही है, और हसन नसरल्ला का असैसिनेशन के बाद भी कोई खास आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट शिया क्वार्टर्स के बाहर आपको नहीं सुनाई देगा। थोड़े बहुत स्टेटमेंट्स आए हैं, कुछ क्रिश्चियन मैरोनाइट लीडर्स के भी आए हैं, बट कोई ऐसा कोई खास वो नहीं है, सपोर्ट नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो अगर आप बढ़ा देंगे लेबनान के लिए, इवन पैलेस्टीनियन लोगों के लिए कॉस्ट ऑफ रेजिस्टेंस जब बढ़ा देंगे, तो उससे ये होगा कि आने वाले टाइम में जो मिलिशिया को जो सपोर्ट मिलता है, चाहे वो मॉरल सपोर्ट कहें या कोई सपोर्ट करें, वो सपोर्ट जो है कम होगा। अब इसका एक्चुअल ग्राउंड पे क्या असर होगा ये तो ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये इसमें कोई डाउट नहीं है। अमेरिकन असेसमेंट भी यही कहता है और इजरायली असेसमेंट भी यही कहता है कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि हिजबुल्ला को अगर थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो दे कैन क्विकली रीग्रो एंड रीबिल्ड देयर कमांड स्ट्रक्चर। और बॉबी भाई, एक बात ये बताइए कि ये जो क्या इसराइल वाकई में इन्वेड करेगा, मतलब फिजिकली वो लेबनान की जमीन पे घुसेगा और वहां पे वो हिजबुल्ला को के ठिकानों को खत्म करने की कोशिश करेगा, जिस तरीके की खबरें न्यूयॉर्क टाइम्स और बाकी लोग अखबार इस वक्त दे रहे हैं? भाई, इसराइल इससे पहले इन्वेड कर चुका है लेबनान को, 2006 में बाहर निकले हैं, ऐसा नहीं है कि इसराइल अंदर गया नहीं है। और हालांकि पिछली बार भी उनके काफी कैजुअलिटीज हुई थी, लेकिन क्या है कि उनकी यू नो इजरायली टॉलरेंस फॉर ट्रूप्स कैजुअलिटीज काफी मेरे ख्याल से बढ़ चुकी है। हमने देखा गाजा में जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया, हालांकि अभी तक इसराइल ने ऑफिशियली कोई नंबर्स नहीं रिलीज किए हैं कि उनकी खुद की कैजुअलिटीज कितनी हुई हैं, ट्रूप्स की कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं वो नहीं बताया, बट साइजेबल कैजुअलिटीज हैं। बट आई थिंक पिछले कुछ महीनों में, स्पेशली 7 अक्टूबर 2023 के बाद से ये इनकी कैपेसिटी काफी बढ़ चुकी है, तो कोई इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि इसराइल डेफिनेटली इन्वेड तो करेगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि कितना अंदर जाएंगे ये अपनी जो इनकी जो सदर्न बॉर्डर है, जो नॉर्दर्न बॉर्डर है, उसको पार करके ये कितना अंदर जाएंगे। सुनने में ये आता है, और जो इजरायली जो हिजबुल्ला का जो स्ट्रक्चर, जो 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 एसेट्स हैं, वो लेबनान के नॉर्दर्न बॉर्डर के काफी पास में है, उन्होंने वहां पे
अपने मिसाइल्स भी रख रखे हैं, ड्रोन्स भी रख रखे हैं, वो सारी चीजें हैं इनके पास। कम से कम जो कंजर्वेटिव एस्टिमेट ये कहता है कि कम से कम 40,000 फाइटर्स हैं, कुछ एस्टिमेट्स 1,00,000 भी कहते हैं, और बहुत सारे फाइटर्स जो हैं वो बॉर्डर के पास में हैं। तो अंदर तो जाएंगे ये, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन सवाल एक चीज ये बताइए कि 2006 में जब अंदर गए थे तो वो कहते हैं कि उस बार हिजबुल्ला ने का अपर हैंड था और इसराइल को वहां से पीछे हटना पड़ा था, बल्कि रिसेंट पास में इसराइल की एक बहुत बड़ी हार भी थी, तो क्या 2006 से सबक लेते हुए फिर वही गलती करने की कोशिश करेंगे, या उनको लगता है कि इस बार वो ज्यादा बेहतर तरीके से प्रिपेयर्ड होंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि 2006 का में जो हिजबुल्ला था आज की डेट में उससे उसके पास कई गुना कैपेसिटी है, बहुत ज्यादा वेपन्स हैं, बहुत ज्यादा उनके पास फाइटर्स हैं। ये अलग बात है कि अभी इनको पिछले एक 2-3 दिनों में जो सेटबैक पहुंचा है बहुत ही ज्यादा सेटबैक पहुंचा है, लेकिन तो हिजबुल्ला के पास कैपेसिटी बहुत है इस टाइम फाइट करने की बॉर्डर एरियाज में। लेकिन वही बात है कि इसराइल का मकसद ये होगा कि ये फाइट जो है ये उन अर्बन सेंटर्स में की जाए जहां पे मिक्स पॉपुलेशन है और जिससे क्या नाम है सिविलियन कैजुअल्टीज भी हों। इनका मकसद यही है, ये फाइट करेंगे हिजबुल्ला को, लेकिन उनके साथ में जो सिविलियंस मारे जाएंगे उससे इनका इनका मेरे ख्याल से ऐसा मानना है कि अंदर से इसमें हिजबुल्ला के खिलाफ आवाजें उठेंगी लेबनान में। संजय भाई, आपको क्या लगता है, क्या आप ईरान की शांति का कारण क्या है, स्ट्रेटजिक है, या वाकई में वो इस स्थिति में नहीं है कि इसराइल का मुकाबला कर सके अगर कोई आमने सामने का अगर कोई लड़ाई होती है या ईरान और इसराइल के बीच में कोई जंग होती है? तो देखिए, ईरान अभी ईरान की स्थिति ऐसी है कि वो अकेला पड़ गया है, रशिया उसको सीधे सीधी मदद नहीं कर सकता चूंकि रशिया खुद ही इन्वॉल्व है अपने को बचाने में। चाइना साइलेंट सपोर्टर है, चाइना जरूर किसी भी ढंग से मदद कर रहा होगा चूंकि चाइना का साइलेंस, चाइना ही एक दूसरा सुपर पावर है जो अभी कुछ इस पूरे वाक्य में कुछ बोल नहीं रहा, कुछ अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहा है। और दूसरी बात देखिए, एक ईरान का जो दो ईरान ईरानी गवर्नमेंट दो ढंग से एक्ट कर रही है, एक तो वो उनको अपना भी वजूद बचा के चलना है, जब 1971 के बाद जब से ये रूल कर रहे हैं, एक हमेशा ईरान के अंदर एक फोर्स रहे हैं, लिबरल फोर्स रहे हैं जो इन मौलवियों को जो ये खोमैनियों को पसंद नहीं करते, एक बड़ा तबका लिबरल सेक्शंस, और उस सेक्शंस को अमेरिका वेस्टर्न वर्ल्ड हमेशा एक्सप्लॉइट करते रही है और एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है। अभी की स्थिति में ईरान के लिए ये स्थिति है कि वो उनको वेस्ट जो अभी इसराइल ईरान पे अटैक करके इसराइल को ईरान को नीचा दिखाकर उनके लीडरशिप को नीचा दिखाना चाह रहा है, जिससे उनका उनकी क्रेडिबिलिटी ही अपने ही लोगों में कम पड़ जाए और उनकी जो पॉलिटिकल रेलिवेंस कमजोर पड़ जाए, एक ये स्ट्रेटजी। तो ईरान के लिए खतरा दोनों तरफ से, अपने को मिलिटरली भी रेलिवेंट रखना है और अपने लीडरशिप को भी बचा कर चलना है, ईरान के लिए ये चैलेंज है। अभी ईरान एक चूंकि एक सिविलाइजेशनल पावर रहा है, सिविलाइजेशनल थिंकिंग है, इंस्टिंक्ट है, तो वो मैं जो मेरी समझ है वो इतना रिएक्शनरी नहीं होंगे, अपने समय का वो इंतज़ार करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई एक दो दिन की लड़ाई नहीं है, लंबी लड़ाई है। एट द सेम टाइम मुझे जो लग रहा है, ईरान के प्रति जो मुस्लिम वर्ल्ड में जो एक लीडरशिप की लड़ाई होती है कि जो इस मुस्लिम लोगों का लीडरशिप किस कंट्री के पास होगा, तो ईरान के लिए एक ये भी वक्त है कि अपने उस लीडरशिप रोल को क्लेम करने का वक्त है कि हम जब पूरे अरब वर्ल्ड शांत हैं, हम ही थे जो लड़ाई लड़ रहे थे। तो एक ईरान के लिए एक पॉजिटिव साइड ये भी है, एक ऑफकोर्स आज पूरी दुनिया में देखिए हिजबुल्ला लाख टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन जो एक दूसरे तरफ उनके लिए एक सिंपैथी भी है कि जो यही इसराइल के साथ लड़ रहा था, जो अमेरिका जैसी ताकत जो इसराइल को रोक नहीं पाई, 50,000 लोगों को मार दिया उन्होंने गाजा में, ओपन जेनोसाइड हो रहा है, एक ऐसे ही ईरान खड़ा है, हौतीस खड़े हैं, हिजबुल्ला खड़े, एक ये भी सिंपैथी है। तो इस चीज को भी आप दोनों तरफ से वो भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिंपैथी भी उनको मिल रहा है और ये फाइनली इट विल लीड टू अ लीडरशिप रोल।
ये भी है, ईरान इस चीज को समझता है, ये एक दो दिन की लड़ाई नहीं, ये लंबी लड़ाई है और ईरान इस चीज को जानता है और ईरान एक इमीडिएटली कोई ऐसा हरकत नहीं करेगा जिससे लड़ाई उसके घर में आ जाए। बट संजय भाई एक सवाल यहाँ मेरे मन में, आप तो उस इलाके में हैं, क्या कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में फलस्तीनियों की मौत के बाद, इतने बड़े बड़े हादसों के बाद भी मुस्लिम वर्ल्ड में खामोशी सी दिखाई पड़ रही? बल्कि जो नसरल्ला की मौत के बाद लोग ये कह रहे थे कि वहां कुछ तबकों ने मिठाइयां भी बांटी हैं, बकलावा भी बांटा है, तो क्या सेक्टेरियन आधार पर बट चुका है या बाकी के जो जो कंट्रीज हैं वो बड़ी कमजोर स्थिति में हैं, वो इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहते? देखिए, एक तो जो शिया सुन्नी का एंगल है, हिजबुल्ला एक शिया फोर्स है और हिजबुल्ला के लोग जब आईएसआईएस जैसे ताकत सीरिया में थे तो वो इन्वॉल्व थे उनके खात्मे में भी, और काफ़ी लोगों को जो सुन्नी लीडर सुन्नी फोर्स थी उसको मारने में उनका काफ़ी रोल रहा है।